Hello students, my name is Sataakshi and I welcome you all to yet another video by Legal Edge ki famous series Soccer Showdown. And aaj ke is video mein we will be discussing few important basic things that are required for us to know about TNNLS Tiruchirappalli, also known as TNNLS Trichy. Theek hai? So sabse pehle we will say about few things which we already know about TNNLS, right? For example, kis year mein established hua? So as you can see, it has a very recent establishment of 2012. Ab hota kya hai? Problem nahi hai, but hota kya hai? NLU jitna zyada purana ho, uska alumni base utra strong hota hai, hai na? But 2012 mein bhi agar established hua hai, to aap socho uska pehla batch graduate hua hoga 2017 mein. So 17 से 22 तक नियर अबाउट चार पांच इयर्स के बैचेस ग्रेजुएट हो चुके हैं, राइट? सो ऐसा भी नहीं, इट्स वेरी न्यू, बट यस कंपेयर टू अनदर एनएलयूज इट इज ऑफ अ रीसेंट ओरिजिन. लोकेशन एज आई टोल्ड यू तिरुचिरापल्ली इज वेरी वेरी फेमस फॉर इट्स मॉन्यूमेंट्स दैट आर देयर, अनदर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स दैट आर देयर. So, बहुत सारी टूरिस्टी प्लेस, आर्किटेक्चरल साइट्स, मॉन्यूमेंटल साइट्स बहुत सारे हैं त्रिची में. एंड एलिजिबिलिटी टू रीच TNNLS त्रिची इज यू शुड पास विद 10+2 और एन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद अ मिनिमम ऑफ 45% मार्क्स. ठीक है, सो मिनिमम रिक्वायरमेंट एज बाकी सारे एनएलयूज की भी है इज 45% मार्क्स. जनरल ओबीसी पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए इट इज 40% मार्क्स फॉर एससी एसटी कैटेगरीज. ठीक है, सो बेस्ड ऑन कैटेगरीज अलग अलग क्वालिफिकेशन है, अलग अलग अमाउंट ऑफ परसेंटेज है दैट इज रिक्वायर्ड, व्हिच इज मेंशन ऑन द स्क्रीन एज वेल, राइट? मूविंग फॉरवर्ड, कोर्सेज ऑफर्ड. सो ब्रॉडली अगर हम देखें, फोर कोर्सेज आर ऑफर्ड बाय TNLS तिरुचिरापल्ली. फर्स्ट इज BLLB एंड BCOM LLB. सो अगर यूजी लेवल पे क्लैट के थ्रू अगर आप जा रहे हो फॉर अ 5-year इंटीग्रेटेड कोर्स, यू हैव BLLB एंड BCOM LLB. इसके अलावा दे ऑल्सो प्रोवाइड LLM, और LLM की स्पेशलाइजेशन है कॉर्पोरेट एंड सिक्योरिटीज लॉ. नेचुरल रिसोर्सेज में भी ये लोग LLM कराते हैं, विच इज अ वेरी डिस्टिंक्ट फील्ड, वेरी नीश एरिया. अगर आप बाकी NLUs की स्पेशलाइजेशन देखो इन रिगार्ड टू LLM, सो शायद ही कोई NLU होगा जो नेचुरल रिसोर्सेज में LLM प्रोवाइड करा रहा है. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नोन एज IPR, उसकी स्पेशलाइजेशन में भी LLM का कोर्स इज व्हाट दे ऑफर्ड. एंड लास्टली दे ऑल्सो हैव PhD प्रोग्राम्स. लोकेशन के बारे में देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं. सो अगर आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे एज इज लुकिंग ऑल्सो, भैया क्या सही कैंपस लग रहा है ना, पर अगर आप वैसे देखोगे सो 12 किलोमीटर फ्रॉम द सेंट्रल बस स्टैंड. सो लोकेशन थोड़ी सी आउटस्कर्ट्स में है अगर आप कंपेयर करोगे बाकी NLU से, जैसे NUJS वगैरह विच इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी, बट इसकी लोकेशन थोड़ी सी आउटस्कर्ट्स में है. 12 किलोमीटर है फ्रॉम सेंट्रल बस स्टैंड एंड द रेलवे स्टेशन ऑल्सो, एंड 22 किलोमीटर फ्रॉम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट. तो हाँ, थोड़ा ट्रैवलिंग में, कम्यूटेशन में प्रॉब्लम हो सकती है. But the best part about those colleges which are located in a little slightly outskirt of the cities is कि उनका कैंपस का एरिया बहुत बड़ा होता है. सो प्रोज है तो कॉन्स भी है ना, राइट? सो अगर आपका कैंपस थोड़ा सा आउटस्कर्ट में होता है, सो कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी वेरी गुड. इट इज स्प्रेडिंग अक्रॉस 25 acres का कैंपस है, एंड आपको कैड ब्लॉक्स है, डिजिटल बिल्डिंग है, एंड पे अटेंशन, हाउसेस द लीगल हिस्ट्री म्यूजियम. इनके कैंपस के अंदर भी लीगल हिस्ट्री म्यूजियम इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द कैंपस, राइट? एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, दो हॉस्टल ब्लॉक्स हैं, ऑडिटोरियम है, मल्टीपर्पज हॉल्स हैं, वो भी दो मल्टीपर्पज हॉल्स हैं, ट्रेनिंग सेंटर है, अमेनिटीज हैं, गेस्ट अकोमोडेशन भी है. सो लेट्स से अगर कुछ दिनों के लिए माई पेरेंट्स आर कमिंग टू विजिट मी एंड आई एम इन दिस कॉलेज, सो दे कैन स्टे इन द गेस्ट अकोमोडेशन एज वेल. क्योंकि आप देख रहे हो ना, थोड़ा लोकेशन दूर है एज कम्पेयर टू द हार्ट ऑफ द सिटी. So, अगर इफ योर पेरेंट्स आर कमिंग टू विजिट यू टू द कैंपस और आपसे मिलने आ रहे हैं, या आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स आ रहे हैं, सो वो गेस्ट अकोमोडेशन में ही स्टे कर सकते हैं. 3 रेजिडेंशियल बंगलोज हैं, सो फैकल्टीज के लिए भी देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस. रेजिडेंशियल बंगलोज हैं, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेज हैं,
जो रेजिडेंशियल नीड सारी एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और सबकी सर्व करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, दीज आर फ्यू 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 वेरी अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग पिक्चर्स फ्रॉम द कैंपस ऑफ TNNLS त्रिची। यू एज यू कैन सी दिस इज द एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक व्हिच इज ह्यूजली स्प्रेड। इसके अलावा यू हैव स्टाफ रूम और लाइब्रेरीज एज सच। अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है, सो देर इज ऑप्शन ऑफ अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स। यू हैव बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट पिच है, सो काफी सारी चीजें आर देयर फॉर यू। इसके अलावा यू ऑल्सो हैव स्मॉल कैंटीन और अ मेस सॉर्ट ऑफ अ थिंग, राइट। कैंपस के अंदर भी ऐसी सारी फैसिलिटीज आर अवेलेबल। आगे देखते हैं अबाउट हॉस्टल अकोमोडेशन। मैम ये सब तो ठीक है, पर अगर हम वहां पहुंचे तो हम रहेंगे कहाँ, है ना, विच मेक सेंस ऑल्सो। सो सेपरेट बिल्डिंग्स है, कोएड अकोमोडेशन नहीं है। सेपरेट बिल्डिंग्स है फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, सो सेपरेट हॉस्टल्स है। एंड यूजी के बच्चे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग 5 ईयर कोर्स के लिए जाते हो BA या BCom LLB के लिए, सो आपको शेयर्ड अकोमोडेशन मिलेगा, ठीक है। पर अगर आप अपने पोस्ट ग्रेड के लिए जाते हो, LLM के लिए जाते हो, सो यू कैन गेट सिंगल अकोमोडेशन एज वेल, बट दैट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी। सो ऐसा नहीं है कि LLM करने वाले भी सारे बच्चों को सिंगल अकोमोडेशन ही मिलेगा। अवेलेबल हुआ, रूम्स बचे, सो यू विल बी प्रोवाइडेड, अदरवाइज शेयर्ड अकोमोडेशन ही है। जनरल वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीवियंसेस हैं, और एनी सच इशू रिगार्डिंग व्हिच द स्टूडेंट्स हैव एनी कंप्लेंट्स, वो मैनेज होता है वेलफेयर और डिसिप्लिनरी कमिटी के थ्रू। मेस कमिटी है टू टेक केयर ऑफ द मेस मेन्यूज। काफी टाइम तक सेम खाना खाते खाते बोर हो जाते हैं ना, सो मेस कमिटी को बता दिया मेन्यू चेंज कराओ, सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। मेस कमिटी है और रेजिडेंट के वार्डन्स और फैकल्टी इंचार्ज ऑफ द हॉस्टल्स। So, दोनों हॉस्टल्स के सेपरेट वार्डन्स हैं हु लुक आफ्टर द स्टूडेंट्स एंड द ग्रीवियंसेस फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स। मेस कमिटी इज देयर टू टेक केयर ऑफ योर फूड एंड ऑल द स्टफ दैट यू गेट इन द हॉस्टल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव द वेलफेयर एंड डिसिप्लिनरी कमिटी एज वेल। कोर मैनेजमेंट अगर आप देखो, सो एज आपको पता है चांसलर्स यूजुअली आर द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। सो यहाँ पे भी चांसलर इज ऑनरेबल जस्टिस टी राजा, हु इज द चांसलर। एंड वाइस चांसलर वी हैव प्रोफेसर डॉक्टर VS एलिजाबेथ, हु इज द वाइस चांसलर ऑफ TNNLS त्रिची। रैंकिंग की भी बात कर लेते हैं ना मैम, ये सब तो बता रहे हो, थोड़ी रैंकिंग भी बता दो। तो अगर आप रैंकिंग देखो, सो इंडिया टुडे की रैंकिंग के अकॉर्डिंग, जो 2021 की रैंकिंग है बाय इंडिया टुडे, उसके अकॉर्डिंग इट इज रैंक्ड एट द 30th पोजीशन अमंग ऑल द NLUs इन द कंट्री। टोटल सीट्स कितनी है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे थोड़ी सीट्स कम है, राइट। टोटल 120 सीट्स है, उसमें डिविजन देखते हैं। Unreserved are 18 seats. So if you belong to the general category, unreserved seats की अगर मैं बात करूं, so total seats are 18. SC category के लिए you have 11 seats specifically dedicated to them. ST category के लिए there is only and only one seat. ठीक है, so सिर्फ और सिर्फ एक seat है इस category वाले लोगों के लिए। OBC का काफी अच्छा amount of reservation है इस college में, with amount to 29 seats are there for OBC category. और unreserved पर तमिलनाडु, ठीक है, अनरिजर्व्ड है पर तमिलनाडु होना चाहिए, उनकी 16 सीट्स हैं इन TNNLS त्रिची। NRI 6 सीट्स, जो आपकी NRI स्पॉन्सर्ड सीट्स होती है ना, वैसी कैटेगरी के थ्रू NRIs की 6 सीट्स आ देयर। कश्मीरी माइग्रेंट की अगेन 1 सीट, सेम एज ST कैटेगरी के लिए। और अदर रिजर्व्ड तमिलनाडु की सीट्स, थोड़ा और रिजर्वेशन है तमिलनाडु में, फॉर एग्जाम्पल तमिलनाडु वुमेन, तमिलनाडु दिस पर्टिकुलर कास्ट, दिस पर्टिकुलर ट्राइब, सो और काफी 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 ज्यादा डिटेल्ड रिजर्वेशन है वहां पे। बट ओनली विथ रिगार्ड टू अगर यू बिलोंग फ्रॉम तमिलनाडु, देन यू हैव 38 सीट्स, ठीक है। सो टोटल अमाउंटिंग टू 120 सीट्स आर देयर इन TNNLS त्रिची। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड अवार्ड्स देख लेते हैं। तो रीसेंट मूट कोर्ट अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, वैसे तो हर कॉलेज हर साल काफी कुछ अकम्प्लिश करता है, एंड इट इज नॉट जस्ट कि लाइक यू नो इफ यू गो टू अ वेरी वेरी गुड कॉलेज तभी वो एक्स्ट्रा करिकुलर में आगे रहोगे, नहीं। ऑल कॉलेजेस प्रोवाइड यू वेरियस अपॉर्चुनिटीज, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू इनकैश देम। सो इस कॉलेज की भी अगर आपको लगता है इंडिया टुडे के अकॉर्डिंग तो मैम रैंक बहुत कम है, नहीं, इस कॉलेज ने भी काफी कुछ अचीव किया है एक्स्ट्रा करिकुलर की बात करते वक्त।
So they were winners of the 9th YONO SBI NLIU competition on corporate law mode, जो 2021 में हुआ था, उसके विनर्स रह चुके हैं, राइट? ये विनर्स रह चुके हैं 17th के लूथरा मेमोरियल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन अगेन जो 2021 में हुआ था. नाउ सी गाइस, यहाँ पे जो मैं आपको अचीवमेंट्स बता रही हूँ, दे आर ओनली एंड ओनली रीसेंट अचीवमेंट्स, ठीक है? मैंने आपको बताया 2012 में एस्टैब्लिश हुआ था, तो तब से अब तक के अचीवमेंट्स यहाँ डेफिनेटली नहीं है, पर हाँ रिसेंटली उन्होंने ये सब अचीव किया है. सो ऑब्वियसली बाकी सारे इयर्स में भी दे माइट हैव अचीव्ड अ लॉट. दे वर विनर्स ऑफ द 14th प्रो बोनो एनवायरो नेशनल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन दैट वाज अगेन हेल्ड इन 2021. एंड लास्टली दे स्टूड एज रनर अप्स इन द डील मीडिएशन कॉम्पिटिशन जो एनएलयू जोधपुर ने 2021 में कंडक्ट कराया था. सो दीज आर फ्यू रिसेंट अचीवमेंट्स विथ रिगार्ड टू मूटिंग और नेगोसिएशंस दैट where TNNLS Trichy has really shined. If you are from TNNLS Trichy and if you know any other competition which your college has, you know, won or your college has succeeded immensely, please let us know in the comment box also so that, you know, the students who have a lot of confusion regarding this area, unko bhi kafi zyada clarity mil, right? So again, these are few achievements, bachcho ki photos with the staff, students studying in the class, basketball ke through, winning competition, right? Campus acad block ke bahar students getting photos clicked. So these are basically, you can see the uniform also. You have a maroon blazer, white shirt, trousers, so full on ekdam lawyer vibes, right? Aur uske upar maroon, so theek hai, lifelong a black and white hi pehenna hai, college ke duration mein maroon bhi chalta hai, hai na? So these are some glimpses of TNNLS Trichy for you to, you know, really be inspired. Ki agar main yahan gaya, so this is what I'll be looking forward to. Okay, cutoffs and scores discuss kar lete hain thoda ki theek hai, last year's ke according kaise kaise admission hua, how things proceeded for this college. So agar main 2020 ki baat karu, general category ki jo last rank thi wo 1799 thi. 2021 में 1834 पे क्लोज हुआ था और 2022 में 2024 रैंक पे क्लोज हुआ था. सो दीज आर द जनरल कैटेगरी की रैंक्स. अब एज आई टोल्ड यू, जनरल कैटेगरी की सीट्स हमने ऑलरेडी देख ली है, सो आप आइडिया लगा सकते हो कि मैम इस रैंक मेरी अगर 2021 आई थी तो उसमें मैं कितना स्कोर, मेरे चांसेस कितने हैं एंड ऑल दीज थिंग्स. सो नंबर ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग यू कैन हैव अ क्लियर, नॉट अ क्लियर आइडिया, बट यू कैन हैव सम आइडिया कि कैसे आपका एडमिशन होगा, राइट? अगर मैं जनरल पर तमिलनाडु की बात करूं, बिकॉज अभी हमने देखा था सीट बाइफिकेशन में कि तमिलनाडु अनरिजर्व्ड और रिजर्व्ड भी काफी ज्यादा सीट्स हैं इस कॉलेज में. सो जनरल तमिलनाडु की बात करूं, सो 2020 में इट क्लोज एट 4,231 रैंक, 2021 में 3,370 रैंक पे बंद हुआ था और 2022 में 4,711th रैंक पे बंद हुआ था. सो 4,711 रैंक पे इट क्लोज. सो यस, इफ यू आर फ्रॉम तमिलनाडु एंड इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी एंड योर रैंक इज समवेयर लेट्स से 4,000 से 5,000 के बीच, यू हैव सम चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू दिस कॉलेज एज वेल बेस्ड ऑन पास्ट ईयर पैटर्न. एससी कैटेगरी 2020 में 10,745 पे गया था, ST category, 2021 में 13,332 पे क्लोज हुआ था और 2022 में 12,015 पे क्लोज हुआ था. अच्छा, अब मैं आपको स्कोर्स क्यों नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ रैंक पे क्यों फोकस कर रही हूँ, बिकॉज बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर स्कोर्स काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं. सो हो सकता है अभी 2023 के पेपर में, बिकॉज यू नो योर रैंक्स, राइट, यू हैव सम फेयर आइडिया ऑल्सो, आपको लगे कि मैम मेरा स्कोर तो इतना आया, मुझे तो मिल ही जाएगा, राइट? पर ऐसा नहीं होता, आपको रैंक पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज स्कोर्स के अकॉर्डिंग आपकी रैंक्स भी फ्लक्चुएट होती रहती है, है ना? सो रैंक्स से हम एक बार फिर भी फेयर आइडिया निकाल सकते हैं. स्कोर अलोन इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया बाय विच यू कैन जज योर सेल्फ कि मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट? एस टी कैटेगरी ऑल्दो एक ही सीट है इनकी, बट 18,790 रैंक पे क्लोज हुआ था, 19,551 रैंक पे क्लोज हुआ था इन 2021 एंड 2022 में 16,880 रैंक पे बंद हुआ था. ओबीसी कैटेगरी, अब आप देख रहे हो ओबीसी का रिजर्वेशन इज कंपैरेटिवली न्यू दैट दे हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग,
2022 में 4006 रैंक पे इट एंडेड, राइट. बट वन इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर दैट इज एडेड बिलो ऑल्सो दैट दिस लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव. ओके, दीज आर सम फिगर्स दैट आर देयर ऑन द स्क्रीन फॉर यू टू गेट सम आइडिया अबाउट दिस कॉलेज. फॉर ऑल द हॉरिजॉन्टल एंड स्टेट बेस्ड रिजर्वेशन, बिकॉज मैंने पीछे भी आपको दिखाया था ना रिजर्व्ड की टीएन की इतनी सीट्स हैं, उसमें क्या बाइफर्केशन है. अनरिजर्व तमिलनाडु की इतनी सीट्स हैं, राइट. सो इसमें अंदर क्या बाइफर्केशन है, उसके लिए आपको ऑफिशियल मेरिट लिस्ट को रेफर करना पड़ेगा, विच इज रिलीज बाय द क्लैट कंसोर्शियम. फीस की बात कर लेते हैं कि ठीक है मैम, फीस क्या है इस कॉलेज की. सो अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो एंड यू आर एन इंडियन सिटीजन, देन योर पर एनम फीस इज 2,23,000. नाउ सी, दिस इज पर एनम, ठीक है, सेमेस्टर वाइज फीस नहीं है, पूरे साल में आपकी ये फीस होगी. इंडियन स्टूडेंट, बट इफ यू बिलोंग टू एससी और एसटी कैटेगरी, योर फीस इज 2,17,000 पर एनम. रिफंडेबल डिपॉजिट इसमें अराउंड 20,000 का है एंड वन टाइम पेमेंट अराउंड 10,000 का. सो ये मेरा 2,23,000 में 20,000 रुपए ऐसे हैं जो 5 साल खत्म होने के बाद आई विल गेट बैक, ठीक है. एंड 10,000 रुपए ऐसे हैं जो मुझे एक ही बार देने, हर साल नहीं देने, राइट. सो नेक्स्ट ईयर मेरा ये अपने आप 2,13,000 हो जाएगा और ये अपने आप 2,07,000 हो जाएगा, बिकॉज दिस 10,000 का पेमेंट इज जस्ट वन टाइम पेमेंट दैट यू नीड टू मेक. ओके, प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप्स की बात कर लेते हैं. अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कॉलेज कंपैरेटिवली काफी ज्यादा न्यू है, राइट. उसके ज्यादा बैचेस, अभी 5 ही बैच उसके ग्रेजुएट हुए हैं. सो ऑब्वियसली प्लेसमेंट्स मिलने में, इंटर्नशिप्स मिलने में थोड़े इश्यूज होते हैं, नॉट जस्ट इंटर्नशिप्स, प्लेसमेंट्स में स्पेसिफिकली. बट स्टिल दिस कॉलेज इज ग्रोइंग. सो अगर आप देखो 2021 में 6.25% ऑफ स्टूडेंट्स हैड गॉट प्लेस्ड इन कैंपस इंटरव्यू. अब देखो कैंपस इंटरव्यू, कंपनीज कैंपस आई, इंटर्नशिप हुआ, उसमें 6.25% बच्चे. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने ही बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, राइट. कुछ लोगों ने अपनी इंटर्नशिप्स में बहुत अच्छा किया होगा, उनको पीपीओ मिल गया होगा, या काफी बच्चे ऐसे होंगे who want to go for judicial services or civil services, right? So placement में बैठे ही नहीं होंगे, राइट. तो आपको जो डेटा दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि भाई कंपनीज जो कॉलेज में आई, जितने बच्चे प्लेसमेंट में बैठे उसमें से 6.25% बच्चे गॉट प्लेस्ड. लोएस्ट सैलरी दैट वॉज ऑफर्ड वॉज अराउंड 20,000 पर मंथ एंड एवरेज सैलरी वॉज अराउंड 35,000 पर मंथ, ठीक है, पर मंथ 35,000 सैलरी वॉज एवरेज एंड हाईएस्ट वॉज अराउंड 65,000 पर मंथ. सो हाईएस्ट सैलरी दैट वॉज ऑफर्ड इन 2021 वॉज अबाउट 65,000 पर मंथ. बट देन अगेन आई रिपीट, ये वो सैलरी है जो कैंपस इंटरव्यू के थ्रू ऑफर हुई है. प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल गया हो, विच इज बेसिकली कि जब मैं फोर्थ ईयर में होती हूँ, मैंने इतनी इंटर्नशिप्स किसी लॉ फर्म में की होती है या कहीं की होती है, सो मेरे ग्रेजुएशन के पहले वो मुझे प्लेसमेंट का ऑफर दे देते, ठीक है, कि आप अपना कॉलेज खत्म कर लो, उसके बाद यू विल कम एंड वर्क फॉर अस. सो मुझे कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट की जरूरत ही नहीं है, राइट. सो दिस इज बेसिकली कॉलेज इंटरव्यू के थ्रू वट एवर डेटा इज अवेलेबल. दीज आर फ्यू टॉप रिक्रूटर्स, ए के माइल्सनी लीगल लॉ फर्म, एक्विटी लॉ एलएलपी, सर्वडा लीगल, सीनियर एडवोकेट महालक्ष्मी पावनी इन सुप्रीम कोर्ट, शी ऑल्सो यू नो रिक्रूटेड फ्यू पीपल अंडर हर, एंड सीनियर एडवोकेट एनएल राजा मद्रास हाई कोर्ट में, अय्यर एंड थॉमस, जे सागर एसोसिएट्स, कार्तिक लॉ चेंबर्स चेन्नई एंड की स्टोन. सो दीज आर फ्यू नेम ऑफ लॉयर्स और लेट्स से लॉ फर्म्स विच हायर्ड पीपल फ्रॉम दिस कॉलेज. को करिकुलर एक्टिविटीज, अच्छा अचीवमेंट्स तो हमने पहले देख लिए कि हाउ दिस कॉलेज इज परफॉर्मिंग अराउंड ऑल द लॉ कॉलेजेस इन द कंट्री, क्या क्या वो जीत रहे हैं. पर कॉलेज के अंदर क्या क्या को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, अब उसको भी देख लेते हैं, ठीक है. सो को करिकुलर एक्टिविटीज में देयर इज अ ट्रायल एडवोकेसी कमिटी, ठीक है. सो प्रॉपर जो वो ट्रायल एडवोकेसी देखते हो ना, विटनेस विटनेस बुलाए जाते हैं, ट्रायल चलता है क्रिमिनल केसेस में, सो उनकी एक कमिटी भी है. सो वो काफी ज्यादा एक सब कंडक्ट कराते रहते हैं. लीगल एड कमिटी, सो प्रोवाइडिंग लीगल एड, हेल्पिंग पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड जस्टिस, उसके लिए भी देयर इज अ कमिटी, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट. एंड इफ यू यू नो यू रियली वॉन्ट टू मेक चेंजेस इन द सोसाइटी, और अगर आपको लिटिगेशन के लिए जाना है, सो यू कैन डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ दिस कमिटी, इट विल रियली हेल्प यू ग्रूम योर स्किल्स.
TNNLS का लॉ रिव्यू भी है. सो दीज आर बेसिकली जर्नल्स. ठीक है, जब आप लॉ स्कूल जाते हो आपको बहुत सारे पेपर्स लिखने पड़ते हैं. मैंडेटरी नहीं होता बट अच्छा होता है अगर आप लिखो. रिसर्च पेपर लिखते हो. अब मैं पेपर लिख रही हूँ तो कहीं तो पब्लिश होगा ना. तो TNNLS का अपना जर्नल भी है जिसमें वो पेपर पब्लिकेशंस की एप्लीकेशन देते हैं और पब्लिश कराते. अगेन TNNLS लॉ रिव्यू तमिल भी है. सो इनका सेम जर्नल इंग्लिश एंड तमिल दोनों में पब्लिश होता है. सो इफ यू यू नो तमिल एंड यू आर वेरी फ्लुएंट इन तमिल, यू नो हाउ टू राइट तमिल, और उसमें अगर आप कोई पेपर लिखते हो तो उसके पब्लिकेशन के यहाँ पे चांसेस आर रियली हाई. मूट कोट कमिटी, हर कॉलेज की मूट कोट कमिटी होती है हु टेक्स केयर ऑफ ऑल द इंट्रा मूट, कॉलेज के अंदर जो मूट हो रहे हैं, एंड इंटर मूट कोट कॉम्पिटिशन, नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल, उनके लिए बच्चों को शॉर्ट लिस्ट करना, प्रिपेयर कराना, हेल्प करना इज ऑल व्हाट मूट कोट कमिटी डज. एडीआर कमिटी, सो एडीआर इज ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, आपका आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन, नेगोसिएशन, इसकी भी अलग कमिटी है इनके पास. सो इसके कॉम्पिटिशंस कराना, इस पे वर्कशॉप्स कराना, सो दैट इज बेसिकली व्हाट दिस कमिटी हेल्प्स यू विद. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की कमिटी, इको क्लब, दीज आर फ्यू मोर कमिटीज एंड क्लब्स दैट आर अ पार्ट ऑफ दिस कॉलेजेस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. सो बेसिकली को करिकुलर एक्टिविटीज. एक्स्ट्रा करिकुलर में यू हैव आर्ट्स क्लब, डांस क्लब, म्यूजिक क्लब, थिएटर क्लब एंड फिल्म क्लब. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई 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 ही होगी यहाँ पे, है ना. सो आप आर्ट, डांस, म्यूजिक, थिएटर, फिल्म, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दीज, सो यू ऑल्सो गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज बींग अ पार्ट ऑफ दिस NLU. गवर्नमेंट मैंडेटेड एक्टिविटीज भी हैं. ठीक है, अब गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई ये एक्टिविटीज करानी करानी है आपको अपने कॉलेज में. सो ऐसी भी कुछ एक्टिविटीज हैं यहाँ. उन्नत भारत अभियान, NDLI क्लब जो एक बुक क्लब है, उसके अलावा प्रो बोनो क्लब, इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब. सो दीज आर फ्यू थिंग्स जो मतलब होती ही होती हैं वहां पे, है ना. सो दीज आर फ्यू एडिशनल गवर्नमेंट मैंडेटेड एक्टिविटीज दैट टेक प्लेस इन दिस कॉलेज. अब लास्ट में थोड़े फैक्ट्स देख लेते हैं, थोड़े FAQs देख लेते हैं. व्हाट आर द फैसिलिटीज अवेलेबल एट TNNLS त्रिची. तो अभी हमने काफी सारी फैसिलिटीज डिस्कस भी की. आप देख सकते हो कि हॉस्टल अकोमोडेशन है सेपरेट फॉर गर्ल एंड बॉयज. इफ यू आर यू नो इफ यू आर LLM स्टूडेंट्स, आपको सिंगल अकोमोडेशन के भी चांसेस हैं. दे हैव अ ह्यूज कैंपस ऑफ 25 acres. आपके अकैड ब्लॉक्स हैं, दो मल्टीपर्पज हॉल्स हैं, लाइब्रेरी है, लीगल म्यूजियम भी है इनके कैंपस में, है ना. इसके अलावा काफी सारी कमिटीज हैं, लॉ जर्नल्स हैं, क्लब्स हैं, बींग अ पार्ट ऑफ विच आपको काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं बींग अ मेंबर ऑफ TNNLS एलुमनाई और उनके कॉलेज के स्टूडेंट्स के फॉर्म में. इस TNNLS त्रिची रिकॉग्नाइज बाय BCI, दैट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया. एब्सोल्यूटली यस. सो दिस कॉलेज इज रिकॉग्नाइज बाय BCI. नो इफ्स एंड बट, सेकेंड थॉट मत लाना. प्रॉपरली अफिलियटेड रिकॉग्नाइज कॉलेज है. डस TNNLS प्रोवाइड एक्सेस टू लीगल डेटाबेसिस टू देयर स्टूडेंट? यस. नाउ सी, काफी सारे लीगल डेटाबेस होते हैं. मैम लीगल डेटाबेस क्या होता है? सो लॉ स्कूल जाके आप मूट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पेपर लिख रहे हो, इन जनरल कुछ पढ़ाई कर रहे हो, आपको काफी सारा रिसर्च करनी होती है ना. मुझे कोई नए केसेस ढूंढने होते हैं, जजमेंट्स पढ़ने होते हैं. अब सारे जजमेंट्स ये ऐसे लीगल डेटाबेसेस होते हैं जो आपको प्रोवाइड करते हैं. सो काफी सारे होते हैं. देयर आर देयर इज मनुपात्रा, देयर इज लेक्सिस नेक्सिस, देयर इज वेस्ट लॉ, SCC ऑनलाइन. सो काफी सारे लीगल डेटाबेसेस होते हैं. अब मैम क्या सारे यहाँ पे अवेलेबल है? दैट यू नीड टू चेक, राइट. सो इफ यू आर अ स्टूडेंट फ्रॉम दिस कॉलेज एंड इफ यू हैव एनी क्लू व्हाट ऑल डेटाबेसेस आर अवेलेबल, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स. बट डेफिनेटली हर लॉ कॉलेज आपको सम या मेनी लीगल डेटाबेसेस का एक्सेस देता ही देता है, राइट. सो ऐसा नहीं है कि आपको इंडिविजुअली परचेज करना पड़ेगा. बींग अ पार्ट ऑफ दैट कॉलेज यू गेट एक्सेस टू दीज लीगल डेटाबेसेस जो आपकी थ्रू आउट द लॉ जर्नी, आपकी मूटिंग मैं आपकी बहुत हेल्प करते हैं एंड आपकी रिसर्च पेपर्स में भी आपका बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं. एंड फॉर एनी अदर इंफॉर्मेशन दैट यू रिक्वायर और एनीथिंग यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस कॉलेज, हियर आर दी कॉन्टैक्ट डिटेल्स व्हिच यू कैन रेफर टू गेट एन आइडिया अबाउट दिस कॉलेज, राइट. सो दैट्स इट अबाउट दिस कॉलेज. आई होप यू गाइज हैव गॉट सम क्लैरिटी ऑफ व्हाट दिस कॉलेज हैज टू ऑफर टू यू. एंड इफ देयर इज एनीथिंग दैट वी मिस्ड आउट और एनीथिंग यू वुड लाइक टू एड ऑन, please let us know in the comment box. We will be more than happy to, you know, correct us ki theek hai chalo ye chhoot gaya humse, ya ma'am apni ye cheez bataiye, ye bhi hoti hai wahan pe, hai
है ना. सो अगर आपको ऐसा कुछ भी पता है विच कैन हेल्प अदर पीपल अराउंड हु आर करेंटली सीकिंग एडमिशन इन दिस कॉलेज, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स एंड वी विल बी कमिंग विथ मोर सच वीडियोज ऑन डिफरेंट एनएलयूज इन द सीरीज ऑफ सोका शोडा. थैंक यू एवरीवन.